रोडवेज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों ने गोरखपुर डिपो बस स्टेशन से कारमल स्कूल काली मंदिर इंदिरा बाल विहार होते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय गोरखपुर में पहुंचकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने 7 सूत्रीय मांगे राष्ट्रीयकृत मार्गों का निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांग के प्रति अपनी आवाज बुलंद की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शाखा अध्यक्ष विनोद तिवारी ने कहा, विनोद तिवारी शाखा अध्यक्ष प्रशासन शाखा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय गोरखपुर के विरोध में और जो हमारे जो नेशनलाइज रूटे हैं सरकार जो है उसको प्राइवेटेशन को देने जा रही है उसी के विरोध में रोडवेज कर्मचारी जो है आज पूरा एक देशी रैली निकाल करके और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आगे सरकार नहीं मानेगी तो हम आगे की तारतम्य में पूरा रोडवेज बंद कर देंगे जल्द।